हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए आज हम आधुनिक इतिहास की बात करेंगे। इसमें हमारे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया, यानी भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी है कब अस्तित्व में आई। तो ये आपकी आई है 1925 में, ऑप्शन आपका डी राइट है। अगर इसमें से आप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सारे ही इम्पोर्टेंट ही हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत की का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने किया था। तो 1925 में किसने किया था, एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन आपका डी राइट है। इनकलाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बम ए दर्रा में किया था और बम फेंकते समय सर्वप्रथम नारे के रूप में इस शब्द का प्रयोग भगत सिंह ने प्रयोग किया, ठीक है। तो ये शब्द जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, ये मोहम्मद इकबाल ने अपनी बुक बम ए दर्रा में किया है और इसे जो प्रयोग किया है बम फेंकते समय भगत सिंह ने किया है, ठीक है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था। तो ये आपके लॉर्ड ग्रीडिंग है, मोहम्मद अली जिन्ना है, मोतीलाल नेहरू है या रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था असहयोग आंदोलन के दौरान कि विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके बारे में बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर एक साथ कवि, चित्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, कथाकार, दार्शनिक, शिक्षाविद होने के साथ साथ बच्चों के मानवतावादी एवं राष्ट्रभक्त थे। 1913 ईस्वी में इन्हें अपने कृति गीतांजलि के लिए नोबल पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। तो ये बड़े फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों के शासन में 1913 में गीतांजलि एक बुक लिखी थी, कृति लिखी थी, उस पर इन्हें नोबल पुरस्कार मिला गया। उन्होंने 1918 से 19 के में रोलर एक्ट के विरुद्ध सर की उपाधि एवं 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इन्होंने सर की उपाधि जो है रोलर एक्ट में और जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा है। तो ये बी एन राव की है, सी राजगोपालाचारी की है, कृष्ण मेनन की है या वी पी मेनन की है। तो द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये आपकी वी पी मेनन की है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट होगा। राज बहादुर व पल्ला पुगुनी मेनन, इनका पूरा नाम है वी पी मेनन का, 30 सितंबर 1893 से 31 दिसंबर 1965 तक ये रहे थे। एक भारतीय प्रशासनिक सेवक थे जो भारत के अंतिम तीन वायसरायों के संवैधानिक सलाहकार एवं राजनीतिक सुधार आयुक्त भी थे। भारत के विभाजन के काल में तथा उसके बाद भारत के राजनीतिक एकीकरण में उनकी महती भूमिका रही। भारत में वे स्वतंत्र पार्टी के सदस्य बन गए थे। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन का कौन इसमें से सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट होगा ए, विलियम वुड, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। बाकी तीनों आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। आप देख लेते हैं ये किस किस पद पर थे। तो कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। ए बी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। नेक्स्ट है, झंडा गीत किसने लिखा है। तो झंडा गीत आपका किसने लिखा है,
रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्याम लाल गुप्त पार्षद। तो यहाँ पर झंडा गीत लिखने वाले ऑप्शन डी राइट होगा, श्याम लाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा है। सात पद वाले इस मूल गीत के बाद कांग्रेस ने 3 पद 1-6-7 को संशोधित करके झंडा गीत के रूप में मान्यता दी। यह गीत न केवल राष्ट्र गीत घोषित हुआ बल्कि अनेक नौजवानों और नव युवतियों के लिए देश पर मर मिटने के हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना है। ठीक है, तो झंडा गीत आपके श्याम लाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है इस बारे में पूछा है, और आनंद मठ आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है, उपन्यास है ये। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, सन्यासी विद्रोह के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया है। ठीक है, कुंवर जगदीश सिंह जो है ये आपके कुंवर सिंह, ये बिहार से थे, तात्या टोपे कानपुर से थे। ठीक है, 1857 की क्रांति का कर रहे थे। ठीक है, लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी से थी, झांसी से। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां या तात्या टोपे है? तो ये आपका ऑप्शन डी राइट है, तात्या टोपे। नवराज का राजा नरवर का राजा मान सिंह अंग्रेजों से मिल गया और उसकी गद्दारी के कारण तात्या 8 अप्रैल 1859 को सोते में पकड़ लिए गए, मतलब सोते हुए इनको पकड़ लिया गया था। विद्रोह और अंग्रेजों के विद्रोह विरुद्ध युद्ध लड़ने के आरोप में 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है आपकी ये पुस्तक, ये स्वामी विवेकानंद पर इनके अनुभवों पर आधारित है। इनका जन्म कब हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का? 12 जनवरी सन 1863। ठीक है, इनके घर का नाम रनेंद्रन था, नरेंद्र दत्त। 1893 में ये शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी, वहां आए थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। 4 जुलाई सन 1902 को इनका देह त्याग हो गया। नेक्स्ट है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित, ये वेलेजली हैं, प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो सहायक संधि को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो ये हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले अपनाया था। ऑप्शन बी राइट है, सबसे पहले हैदराबाद ने सितंबर 1798 में, फिर मैसूर आपके 1799, फिर तंजौर, फिर आपका अवध ने 1801 में अपनाया था। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं, पहले हैदराबाद 1798। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, उस निर्णायक युद्ध आपका कौन सा युद्ध कहा जाता है? बक्सर का युद्ध है। यह आपका कब हुआ था? 1764 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राज्य हड़प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही है? इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासक करने की अनुमति नहीं दी। किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया, या ऑप्शन डी इसमें होगा, इस भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना,
बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ हो। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो रैयतवाड़ी आपकी बंदोबस्त जो है मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी जो अब स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर 1820 से 1827 थॉमस मुनरो, ये पूछा जाएगा जो रैयतवाड़ी है वो थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई थी। इस व्यवस्था को मद्रास बंबई एवं असम के कुछ लोगों द्वारा लागू किया गया था, ठीक है, कुछ भागों में लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो और आपके 1820 में ये प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था, तो ये आपके 1882 अड्यार, ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट है। रूस निवासी महिला मैडम हेलिना ब्लावस्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील अल्कॉट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। सन 1879 में थियोसोसाइटी का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में मुंबई में लाया गया। सन 1882 में उसका प्रधान कार्यालय उद्यार यानी चाइना के अंतिम रूप से स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ राइट क्या था, ठीक है। क्वेश्चन गलत तो नहीं, नहीं ठीक है, सही आंसर है। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस आंदोलन का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो यहाँ पर आपके कौन होंगे देवबंद आंदोलन से जुड़े हैं वो और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर होगा मौलाना हुसैन, अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट है। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में देवबंद उत्तर प्रदेश में हुई थी, उस समय उसे दर उल उलूम कहा जाता था। मौलाना हुसैन मोहम्मद इसके नेता थे, मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद इससे जुड़े थे। उन्होंने अल नदवा नामक पत्र का संपादन किया, तो अल नदवा जो नामक पत्र है वो अब्दुल कलाम आजाद का है। चिराग अली अलीगढ़ आंदोलन से संबंध थे। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपके चारों ऑप्शन एक्सप्लेन हुए हैं यहाँ पर। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। आप सभी थैंक यू।